एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहूंगी कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहेगा जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेगा, और उसमें भी जो GTU स्टूडेंट्स है उनके लिए तो ये बहुत 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 ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, बिकॉज ये पूरा जो कोर्स है वो हमने GTU के सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज AI, गोल्स ऑफ AI, एप्लीकेशंस ऑफ AI, प्रॉब्लम्स विथ AI एंड टाइप्स ऑफ AI। ओके, सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बहुत पहले एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या मशीन सोच सकती है। आंसर इज यस, मशीन्स भी सोच सकती है। एग्जाम्पल रोबोट्स। रोबोट्स वो सारे रियल वर्ल्ड फिजिकल डेटा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हम ह्यूमंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइट, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। अब रोबोट तो एक मशीन है, तो वो ये सारी चीजें कैसे फील कर सकती है जो हम ह्यूमंस भी करते हैं? ये चीजें पॉसिबल है बाय ट्रेनिंग द मशीन। अब मशीन्स को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं? बाय स्टडिंग कि ह्यूमन ब्रेन कैसे थिंक करता है, कैसे लर्न करता है, कैसे डिसाइड करता है, कैसे वर्क करता है व्हाइल ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। AI का मेन इंटेंशन ही यही है कि हम मशीन को इतना कैपेबल बनाए जितना एक ह्यूमन है। मशीन वो सारे वर्क कर सके जो एक ह्यूमन कर सकता है, वो भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ। ओके, सो गोल्स ऑफ AI इज टू क्रिएट एन एक्सपर्ट सिस्टम एंड टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। एप्लीकेशंस ऑफ AI, फर्स्ट वन इज गेमिंग। चेस, पोकर, टिक टैक टो, रॉक पेपर सीजर, ये सारे गेम्स AI बेस्ड है। सेकेंड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर को हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके एंड मैनिपुलेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज को। एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट। देन थर्ड वन इज विजन सिस्टम। हम ह्यूमन जैसे विजुअलाइज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है ना, बस वैसे ही सेम वे में विजन सिस्टम भी विजुअलाइज करता है बिल्कुल हम ह्यूमन की तरह एंड आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को। एग्जाम्पल हमने काफी सारी मूवीज वेब सीरीज में देखा है कि मतलब कोई भी क्रिमिनल को फाइंड आउट करना होता है तो जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारे क्रिमिनल डेटा होते हैं एज वेल एज क्रिमिनल का फेस भी रिकॉग्नाइज होता है। तो बस यही है विजन सिस्टम। देन स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन क्या करते हैं? जो भी हम बोलते हैं उसको सिंपली वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। देन हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन। जो भी टेक्स्ट पेपर में लिखा हुआ है वाया पेन और स्क्रीन पर है बाय यूजिंग स्टाइलस, उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है एंड एज वेल एज ये शेप को भी रिकॉग्नाइज करता है। देन इंटेलिजेंट रोबोट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रोबोट इतने कैपेबल है कि वो फिजिकल डेटा एक्सपीरियंस कर सके, सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, साउंड, बम्प एंड प्रेशर, और वो इतने कैपेबल है कि वो अपने मिस्टेक से लर्न कर सके और एडप्ट कर सके न्यू एनवायरमेंट को। प्रॉब्लम्स विद AI। अभी हमने एप्लीकेशन तो देख लिए, अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है AI में। सो द फर्स्ट वन इज थ्रेट टू प्राइवेसी। AI प्रोग्राम जो हमारी स्पीच रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो इतने कैपेबल है कि वो हमारे ईमेल्स एंड टेलीफोन भी रीड कर सके, तो यहाँ पर हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। देन द सेकेंड इज थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। AI ने काफी इंडस्ट्रीज में ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। एग्जाम्पल काफी रेस्टोरेंट्स में वेटर की जगह रोबोट फूड सर्व करते हैं टू कस्टमर्स। देन थ्रेट टू सेफ्टी। AI सिस्टम वो इतने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर दिया है and it could be very difficult to stop them from achieving their goals, which may lead to unintended consequences. Types of artificial intelligence. यहाँ पर हमने types को divide कर दिया है two categories में। First one is based on capabilities, second one is based on functionalities. Okay, so first category is based on capabilities, और उसमें है weak AI और narrow AI. अब weak और narrow AI क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें बने जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डेवलप हुए हैं, उनके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं और वो उसके बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकते, और अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं है उसमें।
सो वी कैन से कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उसको वीक और नैरो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो अपने लिमिट के बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकते. एग्जाम्पल प्लेइंग चेस. फिर हम जो ई कॉमर्स साइट में लेट्स से हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, ओके, तो हमें नीचे जो सजेशंस बताते हैं ना सिमिलर प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या है? तो वो है वीक और नैरो एआई. देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्पीच रिकॉग्निशन एंड इमेज रिकॉग्निशन. सेकेंड इज जनरल एआई. जनरल एआई क्या है? तो जनरल एआई वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है, और वो भी उतनी एफिशिएंसी के साथ. अभी करंटली ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, बट वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स आर नाउ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग मशीन्स विद जनरल एआई, सुपर एआई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा नैरो एआई, ठीक है, उसमें क्या है, तो भाई स्पेसिफिक टास्क के लिए ही वो डेवलप हुआ है, वो अपने लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता. देन है जनरल एआई. तो जनरल एआई बिल्कुल ह्यूमन की तरह उतनी एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है. अभी थर्ड है सुपर एआई. सुपर एआई जो है वो उसमें बने मशीन वो इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर गए हैं. इट मींस कि वो ह्यूमन से भी ज्यादा एफिशिएंट है. देन कैटेगरी टू बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. तो उसमें फर्स्ट है रिएक्टिव मशीन. इसमें बने जो भी मशीन है ना वो मतलब मेमोरी स्टोर नहीं करते और वी कैन से पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर नहीं करते. एग्जाम्पल गूगल अल्फागो. सेकेंड लिमिटेड मेमोरी. अब इसमें बने जो मशीन्स है वो स्टोर कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस एंड उसको यूज कर सकते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली. एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स. तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना वो स्टोर कर सकते हैं रीसेंट स्पीड ऑफ नियर बाय कार्स, डिस्टेंस ऑफ अदर कार्स, स्पीड लिमिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड. देन थर्ड इज थियरी ऑफ माइंड. थियरी ऑफ माइंड क्या है? तो ये अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन इमोशंस को, पीपल बिलीव एंड बी एबल टू इंटरेक्ट सोशली लाइक ह्यूमन. इट मीन्स कि एकदम ह्यूमन की तरह वो ह्यूमन इमोशंस भी समझ सकता है और उतना ही सोशली एक वो इंटरेक्ट कर सकता है. फोर्थ इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस वो फ्यूचर है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस मशीन्स विल गोइंग टू बी सुपर इंटेलिजेंट एंड विल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस, सेंटिमेंट्स एंड सेल्फ अवेयरनेस. और ये जो मशीन्स होंगे ना वो इवन ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं.